गाइस, मैं हूं दिव्यांशु, आप सभी का स्वागत है हमारे नए वीडियो में। और आज हम लोग अनबॉक्सिंग कर रहे हैं एक पार्टी स्पीकर की, जो कि आता है एंट ऑडियो की तरफ से, रॉक 600। तो इसकी काफी ज्यादा हाइप बनी हुई थी, तो मैं इसको लेके आ गया हूं। देखते हैं किस तरह का ये साउंड और किस तरह की क्वालिटी हमें इसमें देखने को मिलती है, तो वो सब हम देखेंगे वीडियो में आगे। और उससे पहले गाइस, चैनल सब्सक्राइब कर देना ताकि हम लोग के बीच का जो प्यार है बना रहे और आने वाले वीडियोज की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। चलो इसकी अनबॉक्सिंग हम लोग शुरू करते हैं। चलिए गाइस, तो ये हमारा बॉक्स पैकेज है। फ्रॉस्ट हम लोग बॉक्स से कोर रिलेटेड देखिए, बॉक्स में क्या कुछ देखने को मिलता है। तो रॉक 600 पार्टी स्पीकर आपको देखने को मिलता है। इससे कुछ 100 पॉइंट्स वगैरह यहाँ पे दिए हुए हैं और 60 वॉट का जो है आउटपुट आपको इसमें देखने को मिलता है। इसके अलावा साइड में अगर टर्न ओवर करते हैं तो यहाँ पे आपको रॉक 600 देखने को मिलता है और इमेज बनी हुई है। इसके अलावा इस साइड अगर हम लोग देखें तो कुछ हाईलाइट पॉइंट्स और कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलती है। तो जैसे कि इसमें जो है आपको USB और TF कार्ड का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, वायरलेस माइक आपको इसमें मिलता है, एक्स्ट्रा बेस और मल्टी कलर LED कैरियोके फंक्शन भी जो है इसमें इनबिल्ट है। अब हम लोग जो इस साइड अगर टर्न ओवर करें तो यहाँ पे प्राइसिंग दी हुई है, कैमरा एंगल के लिए आप लोग को दिख नहीं पा रही होगी, बट 10,000 रुपीज़ की प्राइसिंग है। बट ओरिजिनल प्राइसिंग जो है वो डिफर करती हुई है और वो आपको मैं आगे वीडियो में बता दूंगा। चलिए तो इसका कंटेंट्स वगैरह चेक कर ले। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है एक छोटा सा कार्ड और ये कार्ड इन्फॉर्मेशन देता है थोड़ी सी आपको एंट ऑडियो की। इसके अलावा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है यूज़र मैनुअल और एक वारंटी कार्ड। कंटेंट्स वगैरह के चेक कर लेते हैं हम लोग, इसमें क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है एक माइक, डायफ्रेम माइक देखने को मिलता है, वायरलेस माइक है ये बेसिकली। और यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे दो बैटरी डालना होती हैं, इस जगह बैटरी डालती है। तो मैं खोल के दिखाता हूँ आपको कहाँ बैटरी डालना है और ये वायरलेसली वर्क करता है। और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ दो बैटरी डालनी है आपको और इसी के साथ जो है आपका ये वर्क करना शुरू हो जाता है। तो ये एक माइक उन लोगों ने प्रोवाइड कर दिया है इसके साथ में। और इसके अलावा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है एक रिमोट छोटा सा, जो कि आपको कंट्रोल करने के लिए दिया है स्पीकर को। तो यहाँ पे सभी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है, मोड में आपको कैसे शिफ्ट करना है, वॉल्यूम का बटन है, म्यूट का बटन है, रिकॉर्ड फंक्शन आपको देखने को मिल जाता है इसमें। तो ये सब चीज़ें इसमें हैं। इसमें भी जो है आपको ट्रिपल ए साइज़ की दो बैटरी आपको लगाना है और ये भी जो है चार्ज हो जाएगा। इसके साथ हम लोग एक चार्जर मिल जाता है। तो बेस्ट पार्ट ये है कि आपको जो है सर्च करने की टेंशन खत्म हो जाएगी कि हम कौन से चार्जर से इसको चार्ज करें। यहाँ पर इन लोगों ने चार्जर ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है और इसकी जो पिन है वो भी थोड़ी डिफरेंट है, राउंडेड पिन आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये अच्छी बात है कि इन लोगों ने खुद ही चार्जर प्रोवाइड कर दिया है। चलिए गाइस, हम लोग जो है स्पीकर का थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। तो आपको देखने को मिल जाएगा बटन पावर ऑन ऑफ का और लाइट चलना शुरू हो चुकी है, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाता है, USB का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है, TF कार्ड का पोर्ट देखने को मिल जाता है, ऑक्स का पोर्ट देखने को मिल जाता है, माइक इन का पोर्ट देखने को मिल जाता है, चार्जर का आपको यहाँ पे पोर्ट देखने को मिल जाता है। ये जो वॉल्यूम है आपको यहाँ पे जो है इको और माइक के वॉल्यूम को बढ़ाने करने कम करने का आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और ये जो है स्पीकर के वॉल्यूम को बढ़ाना और कम करने के लिए आपको यहाँ पे देखने को राउंडेड देखने को मिल जाता है। यहाँ पर जो है ट्रेबल और बेस दो का जो वॉल्यूम लेवल है आपको देखने को मिल जाता है, जो भी कंट्रोल कम कर जाना चाहते हैं। तो ये जो है मोड के लिए है, आप इसको चेंज करेंगे तो मोड्स वगैरह चेंज हो जाते हैं। जैसे FM पे है अभी, ये ऑक्स मोड पर चले गया है, तो इस तरह से आप जो है बटन दबा के मोड चेंज कर सकते हैं। और इधर जो बटन आपको देखने को मिल जाता है बैकवर्ड का है, प्ले पॉज का है और फॉरवर्ड बटन आपको यहाँ पर इस साइड देखने को मिल जाता है। इस तरह आपको एक और बटन देखने को मिल जाएगा, ये जो बटन सर्कुलर बटन आपको देखने को मिल रहा है ये बेसिकली रिकॉर्ड बटन है। तो आप कैरियोके वगैरह रिकॉर्ड कर सकते हैं इसमें गाते समय। और ये जो है लाइटिंग कंट्रोल का बटन आपको देखने को मिल जाता है, तो लाइट वगैरह भी आप इससे कंट्रोल कर सकते हैं, ऑन करना हो या ऑफ करना हो आपको इसमें देखने को मिल जाता है। अब लोग स्पीकर का थोड़ा सा एक और ओवरव्यू लेते हैं साइड व्यू से। तो साइड व्यू में आप देख सकते हैं कि स्पीकर दिखने में काफ़ी शानदार दिखता है ब्लैक कलर में और लाइटिंग्स वगैरह बहुत अच्छी दिखने को इसमें मिलती है आपको। तीन लाइटिंग आपको देखने को मिल जाती है और नीचे जो एंड ऑडियो का आपको यहाँ पर लोगो देखने को मिलता है। और ये जो वेंट है बेसिकली किसी काम का नहीं है, ये सिर्फ शो पीस के लिए इन लोगों ने यहाँ पर डिज़ाइन पे दे रखा है। पीछे की ओर अगर आप टर्न ओवर करेंगे इसको तो आपको देखने को मिलता है एक होल, जो कि बेसिकली यहाँ पे आपको एक बेस एयर वेंट की तरह यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ताकि यहाँ से जो बेस की एयर है वो बाहर निकल सके। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है बेस पे, यहाँ पे कुछ नहीं, थोड़ा सा एक हल्का सा वो स्टैंड टाइप दिया हुआ है छोटा सा, ताकि टिक सके प्रॉपरली ग्राउंड पे। चलो तो फटाफट से हम लोग साउंड टेस्ट कर लेते हैं इसका। Overthinking, the more I swim, the more I
टेस्टिंग की बात कर रहे थे हम लोग, तो ये रहा माइक हमारा और माइक से जो है हम लोग इसको कनेक्ट कर लेते हैं। तो करना कुछ नहीं, आपको सेल डालना है इसमें और सेल डालते ही जो है आपको इसको ऑन करना है और ये माइक जो है डायरेक्ट से कनेक्ट हो जाता है। बस आपका जो माइक की जो वॉल्यूम है इसको आपको बढ़ा देना है, ठीक है। और ये इको का है, इसको भी हम लोग देखते हैं कि कैसे काम करता है। हेलो, तो ये जो आप आवाज़ सुन रहे हैं पर्टिकुलर माइक के थ्रू आ रही है और ये स्पीकर जो है उसका आउटपुट दे रहा है। तो इनपुट जो मैं माइक से दे रहा हूँ और ये है वो माइक जिससे मैं इनपुट दे रहा हूँ और यहाँ से जो है आपको आउटपुट मिल रहा है। तो सुन सकते हैं इसमें क्या आवाज़ आती है, काफ़ी क्लियर है, ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है और रेंज भी काफ़ी अच्छी है। मैंने इस आउटडोर में ट्राई करके देखा तो रेंज काफ़ी अच्छी है माइक की। अगर हम लोग बात करें इको की तो आप देख सकते हैं इसमें धीरे धीरे जैसे मैं इको बढ़ाते जाऊँगा तो इको का आपको फील आने लगेगा। तो ये चीज़ अच्छी है, जैसे अगर पार्टी वगैरह घर में कर रहे हैं या कैरियोके वगैरह प्ले करना हो आपको तो आप इस पे USB या LTF कार्ड या ब्लूटूथ के थ्रू कैरियोके लगा लें और अपना गाना वगैरह गा सकते हैं इसके साथ। तो ये फीचर आपको इसमें देखने को मिल जाता है और वायरलेस माइक मिलता है तो ये इसका एक प्लस पॉइंट है। चलिए तो हम लोग जो है इसको आगे वर्डिंग में जानते हैं इसके बारे में डिटेल में। चलेगा इस फाइनल वर्डी की बात कर लेते हैं हम लोग स्पीकर के बारे में। तो मैं तीन पॉइंट्स आपको चीजें एक लेकर देता हूँ। पहला पॉइंट हम लोग लेते हैं इसके बिल्ट और डिजाइन के बारे में। तो बिल्ट और डिजाइन अगर आप लोग देखेंगे तो प्लास्टिक बिल्ट के साथ ही आता है, प्योर प्लास्टिक इन लोगों ने यूज़ किया। फ्रंट में आपको ग्रिल देखने को मिलती है, इसके अलावा प्योर जो प्लास्टिक इन लोगों ने यूज़ किया और प्लास्टिक की जो क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं है, मतलब एक मीडियम क्वालिटी एवरेज क्वालिटी की इन्होंने प्लास्टिक यूज़ किया हुआ है इसमें। तो अगर इनकेस अगर आप इसको थोड़ी हाइट वगैरह से गिरा देते तो आपको जो प्लास्टिक में डैमेज देखने को मिलेगा। तो प्लास्टिक की क्वालिटी जो है थोड़ी सी चिप्स इन्होंने यूज़ करी हुई है। अगर हम लोग बात करें डिज़ाइन को देखें तो सिलेंड्रिकली डिज़ाइन किया गया है इसको कम्प्लीटली और आपको यहाँ फ्रंट में जो है स्पीकर देखने को मिल जाते हैं दोनों और यहाँ पे लाइटिंग वगैरह इन लोगों ने दी है तो लाइटिंग थोड़ी अच्छी देखने को मिलती है आपको यहाँ पे। ये जो पोर्शन इन लोगों ने दिया है ये सिर्फ शोपीस है, यहाँ पे कुछ भी अवेलेबल नहीं है ऐसा मेरे को लगा था कि ट्विटर इन लोगों ने प्रोवाइड किया होगा बट ट्विटर नहीं है, सिर्फ शोपीस के लिए इन लोगों ने यहाँ पे होल दे दिया है। और अगर आप जो बेस का जो एयर वेंट है आपको पीछे देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आप देखने को मिल जाएगा होल है और एक हैंडल दिया हुआ है बट थोड़ा बल्की है ये, इसको कैरी करने में आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा हैवी है ये, बट ओवरऑल वे में डिज़ाइन और बिल्ड जो है इसका डिसेंट है तो ज़्यादा अच्छा नहीं है। बात करें साउंड क्वालिटी के डिपार्टमेंट में गाइस, तो साउंड क्वालिटी अगर मैं बात करूँ इस पर्टिकुलर स्पीकर के बारे में तो मैं ट्रेबल्स की बात करूँ तो ट्रेबल्स काफ़ी अच्छे लगे मुझे। ट्रेबल्स में हाई लोज मिड सभी चीज़ें अच्छी थी, लाउडनेस भी काफ़ी अच्छी थी, 60 वॉट का आउटपुट आपको देखने को मिलता तो लाउडनेस जो है इसकी काफ़ी अच्छी थी। प्रॉब्लम जो आई है वो है इसके बेस में, मैंने एक्सपेक्ट किया था कि इसका बेस काफ़ी अच्छा होगा, 6.5 इंच का इसमें वूफर लगा है, सब वूफर लगा हुआ है इसमें, तो मुझे लगा था कि इसका बेस अच्छा आएगा बट बेस उतना अच्छा नहीं लगा मुझे। बेस जो है इसका डिसेंट था, इतना ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं था कि आपके विंडोज़ वगैरह शटर हो रही हैं ऐसा कुछ नहीं, मैंने इंडोर आउटडोर दोनों प्ले करके देखा तो इतना अच्छा मुझे बेस इसका लगा नहीं। बात करूँ लाउडनेस तो लाउडनेस वॉज वेरी गुड। अब बात करें हम लोग इसमें फीचर्स वगैरह के बारे में प्राइसिंग को देखते हुए, तो प्राइसिंग है इसकी वो 5000 रुपीज़ और 5000 के प्राइस पॉइंट से अगर इसको देखें हम लोग फीचर्स में तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है ऑक्स कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है, TF कार्ड कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है, USB कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है, FM रेडियो इसमें इनबिल्ट है, ब्लूटूथ आपको देखने को मिल जाता है जो कि वर्जन 5.0 के साथ आता है। अब इसमें जो स्पेशल चीज़ है वो है माइक, जो कि आपको वायरलेस माइक इसके साथ में मिलता है तो वो ये वायरलेस माइक आपको देते हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी इसमें कि आपको वायरलेस माइक प्रोवाइड कर दिया, तो इनके इस घर में आप पार्टी वगैरह प्ले कर रहे हैं या कैरियोके प्ले करना हो आपको तो आप इसमें कैरियोके प्ले करें और इसके साथ में जो आप गाना वगैरह गा के इन्जॉय कर सकते हैं। तो ये पार्टी के हिसाब से ये चीज़ इन लोगों ने बहुत अच्छी दी है कि वायरलेस इन्होंने ये प्रोवाइड किया है। एक और चीज़ जिसमें मुझे बहुत अच्छी लगी है वो ये है कि इन लोगों ने रिमोट प्रोवाइड करके रखा साथ में, तो आप इन केस इसको दूर से कर कंट्रोल करना चाह रहे हैं तो वो आपको इसमें रिमोट से जो है इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और एक और चीज़ ये कि इन लोगों ने साथ में जो है चार्जर प्रोवाइड करके दिया, तो आपको जो है ये टेंशन नहीं रहेगा कि कौन से वॉल्ट का मुझे यूज़ करना है चार्जर, कौन से पर्टिकुलर वॉल्ट का या कौन से अडॉप्टर यूज़ करना है, तो इन लोगों ने जो है पर्टिकुलर चार्जर साथ में प्रोवाइड करके दिया तो आप उससे इसको चार्ज कर सकते हैं। चलिएगा इस सबने प्रोस की बात सुनी इसके, तो मेरे को ये स्पीकर एक डिसेंट स्पीकर लगा है और इसकी जितनी हाइप थी मैंने इतना इसे एक्सपेक्ट किया था उतना इसने दिया नहीं है परफॉर्मेंस, बट एक डिसेंट स्पीकर है, एक पार्टी स्पीकर है जो अगर आपको लग रहा है पार्टी में कैरियोके वगैरह प्ले करना है और थोड़ा फैमिली वगैरह साथ एंजॉय करना है तो एक डिसेंट है, रूम को तो इजीली फिल कर सकता है, तो उसका साउंड इतना अच्छा तो है, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, इसकी लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और इसके बाद हम लोग एक कंपैरिजन ला रहे हैं इस पर्टिकुलर स्पीकर का बोट पार्टी पैल 70 के साथ जो कि अभी आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है। मैं थोड़ा सा मेरे को काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए थे कि बोट पार्टी पैल सर जो अभी आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है, तो मैं होप सून कि वो स्टॉक में आ जाए, तो वो स्पीकर के साथ इसका कंपैरिजन जरूर देखना आप गाइस, तो इसके आने वाले वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए तो फिलहाल के लिए हम साइन आउट करते हैं, आने वाले वीडियोज़ के लिए हमारे साथ स्टे ट्यून्ड रहिएगा।